हमारे हिस्ट्री बुक से छत्रपति शिवाजी महाराज मिसिंग क्यों? कुछ दिनों पहले हमने लोगों से पूछा कि क्या आपके स्कूल बुक्स में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में सिखाया गया, और आंसर शॉकिंग था। 1,00,000 लोगों में से 60,000 लोगों ने कहा नॉट एट ऑल। मराठा एम्पायर जो अपने पीक पर कुछ ऐसा दिखता था, उसके फाउंडर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिलेबस में सिर्फ 5 या 6 लाइंस। ये ट्रैजिक सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम एक महान रूलर के बारे में जान नहीं पाते, ये ट्रैजिक इसलिए भी हैं क्योंकि हम उनके लाइफ लेसंस भी अपने बच्चों से दूर रखते हैं। मी महाराष्ट्र मध्ये राहतो आणि मी मराठी मीडियम मध्ये शिकलोय, दैट्स व्हाई आई स्टडीड छत्रपति शिवाजी महाराज द वे एवरीवन शुड। और फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि देयर इज अ लॉट मोर टू लर्न। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी से कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे जिससे आज भी आपको और मुझे फर्क पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के एंशियंट नॉलेज को एक नई तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, नॉलेज इज एवरीवेयर। छत्रपति शिवाजी महाराज जब छोटे थे तब उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर सल्तनत के जागीरदार। छोटे शिवाजी पुणे में थे और शाहजी राजे घर से दूर, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें माँ के संस्कार और पिता का नॉलेज दोनों दिया। बचपन से ही रामायण महाभारत की स्टोरीज उन्हें सुनाई और उनसे छोटे शिवाजी ने एक अहम बात सीखी, टीम बिल्डिंग। भगवान राम खुद काबिल थे लेकिन किसी भी सिचुएशन में अकेले नहीं थे, वैसे ही महाभारत में पांडवों का साथ होना ही उन्हें ताकत देता था। रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं है, उनमें एक राजा को और इस नए युग में एक लीडर को सीखने जैसा बहुत कुछ है। और ये सारा नॉलेज एक यंग शिवाजी को एक काफी छोटे एज में मिला। स्वराज वॉज अ ड्रीम, और ये रियलिटी तभी बन सकता था जब ये सपना दूसरों को भी सोने न दे। सिर्फ 30 सालों में 10-20 नहीं 300 से ज्यादा फोर्ट्स कैप्चर करना कोई साधारण बात नहीं, और ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मावळ नाम के एक छोटे से रीजन में अपनी छोटी लेकिन काफी लॉयल फौज बनाई। उनसे दोस्ती बनाए रखने के लिए उनके साथ एक थाली में खाना खाया ताकि उन्हें समझे ये सिर्फ राजा नहीं ये हमारे राजा है। छत्रपति की लाइफ से ये सीखने जैसा है। नंबर 2, लर्न टू लीव योर कम्फर्ट जोन। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। आज लोग ये तो जानते हैं कि यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने पूरी दुनिया पर नेवल सुप्रीमेसी के साथ कब्जा किया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि भारत के पांडे और चोला डायनेस्टी भी थे जो शिप बिल्डिंग में यूरोपियन से भी आगे थे। आज अगर आप इंडोनेशिया या थाईलैंड में जाएंगे तो रामायण की स्टोरी से इंस्पायर्ड कई टेम्पल्स पाएंगे। हमारे कल्चर को दूर दूर तक पहुंचाने का क्रेडिट इन साउथ के डायनेस्टीज को जाता है। लेकिन 13th सेंचुरी से भारत की नेवल स्ट्रेंथ काफी वीक हो रही थी जिससे हम व्यापार के लिए अरब्स पर निर्भर होने लगे थे। प्लस नेवी से फोकस हटने की वजह से पोर्चुगीज और ब्रिटिश इन्वेडर्स से हमें खतरा था। छत्रपति जानते थे कि खतरा सिर्फ सल्तनत से नहीं इन कॉलोनाइजर्स से भी है, इसीलिए उन्होंने फिर से भारत की नौसेना खड़ी। हिस्टोरियंस मानते हैं कि मराठा नेवी में एटलीस्ट 20 बड़े वॉरशिप्स हुआ करते थे जिनकी मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्रिटिशों को कोंकण से भगाया था। वो एक ऐसे विजनरी थे जो ब्रिटिशर्स के इंटेंशंस को पहचानते थे, एक छोटी आर्मी के साथ भी बड़ी लड़ाइयां जीतते थे। यही विजन अगर दूसरे रूलर्स भी छत्रपति से पाते तो शायद भारत अंग्रेजों का गुलाम न होता। नंबर 3, द पावर ऑफ वन। ब्रिटिशों के डिवाइड एंड रूल की मिसालें आज भी दी जाती है, लेकिन छत्रपति की मेथड सच्ची भी थी और ज्यादा इफेक्टिव भी। औरंगजेब ने छत्रपति के बारे में खुद कहा था कि 19 साल के लिए मैंने मेरी पूरी ताकत शिवाजी को हराने में लगा दी, लेकिन फिर भी उनका राज्य बढ़ता ही रहा। कैसे? पोर्टुगीज छत्रपति शिवाजी महाराज को अटिल्ला ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। क्यों? जब एक सेना एक पर्पस के साथ लड़ती है तो वो खुद से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को भी अपने घुटनों पर ला सकती है। 1 army, a real army, united behind one leader with one purpose. छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि हम हमारी धरती पर डर डर कर क्यों जिए, दूसरों की गुलामी क्यों करें, क्या हम खुद को संभालने के लायक नहीं? सवाल सिंपल है और इसका जवाब है एक आइडिया, स्वराज। इसी आइडिया ने आने वाले समय में ब्रिटिशों के अगेंस्ट लड़ने वाले लोकमान्य टिलक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक फ्रीडम फाइटर्स को भी इंस्पायर किया। आज के बिजनेस वर्ल्ड में कहते हैं स्टार्ट विद व्हाई, आपका पर्पस ढूंढिए और अगर ये पर्पस लोगों को इंस्पायर करता है तो लोग जुड़ते जाएंगे। ये सिंपल फंडा हम छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियों से सीख सकते हैं। आपको नहीं लगता ये प्रैक्टिकल लेसन एक यंग एज से ही बच्चों को सिखाए जाने चाहिए? आपको नहीं लगता कि हम अच्छे सिटीजन के साथ साथ अच्छे लीडर्स भी बना पाएंगे? आज खुशी होती है जब पॉप कल्चर के थ्रू, सीरियल्स, फिल्म्स या हमारे इस वीडियो जैसे वीडियोस के थ्रू छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां लोगों तक पहुंचती। लेकिन फिर भी देश में एक ऐसा टुकड़ा तो है जिन्हें लगता है कि हमारे इतिहास के बारे में गर्व से बात करना यानी लोगों में टॉक्सिक नेशनलिज्म को भरना होता है। जो लोग इन सच्ची कहानियों को इतिहास मानने से ही मुकरते हैं, अगर उनके बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए तो फिर तो वो बवाल ही कर देंगे। They are entitled to their opinion, but we don't need to accept their entitled opinion to be true. शायद इन डिनायल से भरे बुद्धिजीवियों से बचने के लिए ही हमारे इतिहास में से कुछ बातों को और कुछ लोगों को ओमिट किया जाता है, क्योंकि कोई और रीजन मेरी समझ के बाहर।
ब्रिटिशों ने मैकॉले को भारत भेजकर यही किया था। इंग्लिश एजुकेशन के नाम पर हमें हमारे जड़ों से काटने का काम किया था। आज हमें हमारी इन जड़ों से फिर से जुड़ने की जरूरत है। अगर आप हमारी इन बातों से अग्री करते हैं तो इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि आज हमारे भारत में लीडर्स की कमी और पॉलिटिशियंस की भरमार है, जो भारत के भविष्य के बारे में नहीं, भविष्य के इलेक्शंस के बारे में जरूर सोचते हैं। जो बातें तो छत्रपति जैसी करते हैं लेकिन काम औरंगजेब जैसा। लगता है स्टूडेंट से पहले उन्हें एक मास्टर क्लास की जरूरत है, और शिव जयंती के दिन ये शुभ मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।